और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोबेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रामझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पा लेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रामझाझर और मैं हूं पुखरा सिंह। मुंगेली लॉकडाउन की अवधि में वन विभाग की आवश्यक परिवहन, लघु वनोपज के संग्रहण, भंडारण एवं प्रसंस्करण के कार्य को कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वर नेन्द्र भूरे ने राज्य शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार सशर्त प्रतिबद्ध से मुक्त किया। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वर नेन्द्र भूरे ने बताया कि लघु वनोपजों के संग्रहण का मुख्य सीजन और वनवासियों की आजीविका का प्रमुख आधार को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप यह छूट देने की निर्णय लिया गया है। अभी जो सब विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हैं वो अभी सीमित है और जो आवश्यक सामग्रियां हैं उसके लिए निर्धारित समय पे उसके शॉप्स खुले रहेंगे और इसके अलावा जो लोग हैं जिनका दैनिक मजदूरी या फिर किसी भी रूप से उनके खाद्यान्न की सुरक्षा में कोई दिक्कत आती है तो इसके लिए हम लोग स्वसेवी संस्था और प्रशासन इसके लिए सजग है। सर, लॉकडाउन का असर गांव में थोड़ा सा कम हो गया है, वो चौराहों पे बैठना शुरू कर दिए हैं किसान। इसके लिए सभी पंचायतों को निर्देशित किया गया है और इसके अलावा कोटवारों को भी इसके लिए निर्देशित किया गया है। अगर ऐसा कोई स्थिति है तो उसके पुनः परीक्षण कराया जाएगा। अभी सर कालाबाजारी की बातें लगातार सामने आ रही है, दुकान में रेट बढ़ गए हैं, सामान नहीं है करके, और वो जब पुलिस वालों को देखते हैं तो सामान्य रेट में बेचते हैं, लेकिन जैसे आप जाते हैं तो फिर वो दुगना और डेढ़ गुना रेट में बेच रहे हैं। इसके लिए एक व्यवस्था हम लोगों ने बनाई है और इसके लिए एक कंट्रोल रूम का नंबर भी दिया गया है। अभी तक अभी प्रत्यक्ष रूप से हम लोगों के पास ऐसी कोई शिकायत नहीं है। राजस्व अमला और पुलिस अमला अभी लगातार दुकानों का परीक्षण कर रहा है और अगर ऐसा कोई बात है और ऐसा कोई पाया जाता है तो उसमें कठोर कार्रवाई होगी। सर, अभी किसानों का फसल आ चुका है लेकिन उनके लिए कोई उचित व्यवस्था भी नहीं हुई है उनके खाद्यान्न को बेचने के लिए, क्या कहेंगे? नहीं, इसमें ऑलरेडी निर्देश जारी जा चुके हैं कि एक तो हमारे यहाँ जो किसान हैं जो साग सब्जी लेते हैं उनके लिए तो मार्केट अभी भी खुले हैं और उसके लिए समय भी निर्धारित है। दूसरा, जो फसल अनाज के रूप में जो फसलें हैं तो उसके लिए अभी क्योंकि अभी 14 दिन में 2-4 दिन ही बाकी है, उसके पश्चात उसकी भी व्यवस्था पूरी सजग हो जाएगी और ग्रामीण स्तर पर जो मजदूर है जो किसान खेती के लिए लगते हैं उसके लिए भी निर्देश जारी किए जा चुके हैं। चलिए, अभी सर जो आपके जो बैंकिंग सिस्टम है, जो पैसा भी दिया जा रहा है जो ज़रूरतमंद है उनको, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो समस्या है सर, जो बैंक में जाके जब लोग जाते हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है, आपको नहीं लगता इसमें कुछ सुधार करनी चाहिए? इसमें दिन निर्धारित किए गए हैं जिसमें जो शासन से पत्र आया था इसमें जो खाते का नंबर है, खातों के नंबर के लास्ट डिजिट के आधार पर दिन निर्धारित किए जा चुके हैं, परंतु अत्यधिक संख्या में खाते होने की वजह से भीड़ हो रही है बैंकों में, तो उसके लिए हम लोगों ने सभी बैंकर्स को लीड बैंक मैनेजर के माध्यम से सूचित किया है और उनको आग्रह किया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। लेकिन उन्हें अपने कामकाज में कर्मचारियों अथवा मजदूरों में दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच कम से कम 1 या 2 मीटर की दूरी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। कार्यस्थल पर मजदूरों के हाथ धोने के लिए साबुन अथवा हैंडवॉश, पानी एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। इसके अलावा प्रतिष्ठान द्वारा वनोपज के कार्यस्थल एवं परिवहन के दौरान कोरोना वायरस COVID-19 के संक्रमण से बचाव के लिए भारत शासन, राज्य शासन, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई गाइडलाइन एवं एडवाइजरी का पालन करना होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। अभी सर जनप्रतिनिधियों द्वारा फायदा उठाया जा रहा है क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति है, मान लीजिए गांव का कोई दुकान है वो 5 मिनट के लिए भी खुलता है और शिकायत मिल जाती है तो तुरंत पुलिस वाले पहुंच जाते हैं वहां पे, उसके एवज में वो 5 या 10 हजार रुपए उगाही कर रहे हैं दुकान वालों से। नहीं, ऐसी कोई सूचना इस कार्यालय को प्राप्त नहीं है सर। गाँव, अच्छा, कार्यालय। तो अगर सूचना प्राप्त होती है सर तो किस प्रकार का? तो डेफिनेटली इसके लिए तंत्र बना है, इसमें अमला बना है, इसमें कार्रवाई होगी। अवैध खुदाई जारी है सर, गांव-गांव क्षेत्र में, गांव में और शहरों में भी है, जो ट्रैक्टर और ट्रक गाहे बगाहे समय दर समय निकलते रहते हैं, ये क्या कहेंगे? उसमें आज ही एक सूचना प्राप्त हुई है तो जो उसका वीडियो क्लिप उपलब्ध होने के पश्चात उसमें कार्रवाई होगी। अभी मनरेगा के कार्य पे अनुमति शायद दी गई है सर इस विषय में? बेसिकली ग्रामीण एरिया में आजीविका
महत्वपूर्ण विषय है। अगर कोई और बेसिकली मनरेगा एक एक्ट है जिसमें अगर कोई व्यक्ति रोजगार की मांग करता है तो उसको देना कर हमारा कर्तव्य है। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति मांग करते हैं तो मनरेगा के तहत कार्य दिया जाएगा। तो अभी मतलब मनरेगा में काम किया जा सकता है सर, बाकी सारे काम? इसमें मैंने जैसे कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए मनरेगा में कार्य किया जा सकता है। बाहर फंसे हुए जो लोग थे सर, अब तक कितने लोगों को लाया जा चुका है और क्या प्रयास जारी है? लाया बाहर से लोग, क्योंकि मूवमेंट पूर्ण तरह से बंद है तो बाहर से लोगों का आना जाने का कोई सवाल नहीं है। जो लोग जहाँ हैं वहाँ पर उनकी खाद्यान्न की सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। सरकारी राहत कार्य सर किस प्रकार से आप? बेसिकली जैसे मैंने कहा कि हम लोगों ने एक सहायता कोष भी पूरे ज़िले में बनाया है और खाद्यान्न बैंक की भी व्यवस्था की है। इसके अलावा हर ग्राम पंचायत में 2 क्विंटल चावल और 25 से 50 किलो दाल भी रखा गया है। तो अभी ऐसा कोई विशेष परिस्थिति जिले में उत्पन्न नहीं हुई है। सर एक लास्ट सवाल, छत्तीसगढ़ में ऐसे जितने कोरोना पाए गए थे, मुंगेली भी जितने क्वारंटाइन जिनको रखा गया था, लगभग सबकी छुट्टी हो गई है, क्या कहेंगे इस विषय में? अभी तक छत्तीसगढ़ अछूता है कोरोना के लिए? नहीं, ये काफ़ी अच्छी बात है और इसमें पूरे शासन प्रशासन का जो प्रणाली कार्य कर रहा है वो हर एक व्यक्ति बधाई के पात्र हैं। परंतु मेरा ये मानना है कि अभी भी ये संकट टला नहीं है, अभी भी हम लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता। मुंगेली से मानस राज के साथ अजीत जायसवाल की रिपोर्ट, RJ रामझाझर।